यहाँ पे सिर्फ बादल देखने को मिलते हैं, बारिश नहीं होती है। तेज हवाएं चलेगी और बादल उड़ जाएंगे, कोई बारिश वारिश नहीं हो रही। देखते हैं पर बारिश तो बारिश ही नहीं हो रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, राजस्थान में भारी बारिश का दौर चल रहा है। श्री गंगानगर में बादल इस कदर बरसे कि 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों की मदद के लिए सेना को भी बुलाना पड़ गया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग के अंदर। आज सुबह की शुरुआत हो रही है भयंकर बारिश के साथ में। गंगानगर के हालात ऐसे हैं कि लगभग पूरा गंगानगर जो है पानी के अंदर डूबा हुआ है, और कल रात के 3 बजे से लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और अब सुबह भी थोड़ी बहुत रुक रुक के बारिश हो ही रही है। और हमारी गली तो भाई, हमारा जो रैंप है वो 2 पौड़ी तक पूरा भर चुका है ऊपर तक, और जो साथ वाला जहाँ पे पेड़ लगा हुआ वो भी भर चुका है। थोड़ा सा अभी कम होते तो आपको मैं जाके दिखाऊंगा बाहर के हालात कैसे हैं, लेकिन अलग अलग जगह से लोगों के स्टेटस आ रहे हैं, फ़ोटोज़ आ रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया। जो निचले घर थे जहाँ पे रोड ऊपर थी और घर नीचे थे, पूरा घर का बुरा हाल हो चुका है अंदर। और मैंने बारिश ज़रूर कही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी बारिश नहीं कही थी कि ऐसी हालत हो जाए। अभी तो सिर्फ 2 दिन की बारिश है और उसमें ये हालात हो गए गंगानगर के। और बाकी सबसे ज़्यादा जो मौज है वो बच्चे ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी हो गई है छुट्टियाँ, और जो बाकी काम पे जाते थे इधर उधर शहर में लोकल, वो लोग भी घर पे बैठे हैं, कोई भी काम पे नहीं गए आज के टाइम पे। ऐसा समझ लो गंगानगर पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। मार्केट बंद है, बैंक्स बंद है, स्कूल्स बंद है, सब कुछ बंद हुआ पड़ा है। फिलहाल अभी मम्मी नाश्ता लेके आई है, सुबह से आज लाइट भी नहीं है तो पानी भी नहीं चढ़ा सकती ऊपर। मैं तो आधी बाल्टी से ही नहा कर आया हूँ अभी, तो मैं अभी नाश्ता करता हूँ और साथ साथ जैसा मौसम है इसका आनंद लेता हूँ, और आपको आज का बाकी का अपडेट साथ साथ देता रहूँगा। लो भी आपको मैं बारिश के हालात चेक करवाता हूँ। बाहर की सड़क कैसी हुई पड़ी है ये चेक करो, पूरा जहाँ देखोगे जहाँ नज़र डोराओगे वहाँ पे आपको पानी ही पानी मिलेगा। ये सामने देखो, ये मेरा कज़न आ रहा है बारिश में नहाता हुआ। मज़े आ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी होगी तेरी तो। और ये चेक करो, ये देखो हमारी 2 सीढ़ियाँ हैं नीचे, देखो 2 सीढ़ियाँ पूरी पूरी डूब रखी हैं वो, पर बड़े बच्चों की हो रखी हैं, बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया बारिश के अंदर। अपने खड़े छाता लेके, क्योंकि अपने अभी अभी नहा कर आए हैं, वापस भीगने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले मैं सुबह वेट कर रहा था क्योंकि ना लाइट गई है तो पानी वानी कुछ भी नहीं है, तो पहले मैं वेट कर रहा था कि अगर लाइट आ जाती है पानी चढ़ा देंगे टंकी में फिर नहा लेंगे, या फिर मैं वेट कर रहा था कि बारिश जो है थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो फिर आराम से नहा सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो बच्चे अभी मज़ा ले रहे हैं बारिश का। ओए ओए गिर जाएगा गिर जाएगा, सुनो इससे दूर रहना, इसमें गड्ढा है बहुत बड़ा। चलो भाई अंदर चला जाए। तो ये तो गली के हालात थे, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ हालात दिखाता हूँ कुछ गंगानगर शहर के भी, जो मुझे अलग अलग लोगों के स्टेटस से देखने को मिल रहे हैं। तो मैं उनका स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना यहाँ पर आपके सामने डाल रहा हूँ। अगर कोई अपनी वीडियो पहचानता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपने कैप्चर करी है वीडियो। बाकी पता नहीं किसने कैप्चर करी है, क्योंकि हर जगह रेगुलेट हो रही है वीडियोज़, सो मैं जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ मैं। और मम्मी और पापा यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, एक ही पंखे के नीचे बैठना पड़ेगा क्योंकि आज तो इन्वर्टर बंद हुआ पड़ा है। और एक बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे, जब भी भरेगी भर जाएगी, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पानी मिलेगा। साथ में एक और भी मैं बाल्टी डाल रहा हूँ, सब भर जाएंगी। तो मेरा जो भूत वाला व्लॉग था ना जो कल आया था, आज वो लाइव हो चुका है, और लाइट तो है नहीं, तो मम्मी और पापा देखो कैसे देख रहे हैं, कितनी लगन से दोनों जने। आप लोग बताना कमेंट्स में मज़ा आया कि नहीं आया व्लॉग देख के। एकदम से क्या हुआ? क्या था सच में भूत था वो? कुछ तो दिखा था मुझे अकेले को दिखा। तूने आगे भी बताया था ये बात है।
लो भाई ये चेक करो पानी कितने कितने पैर डूब चुके हैं अंदर। जब एक मेरे साथ है ये रिपोर्टिंग देंगे गंगानगर की। क्या हाल है गंगानगर के? सामने देखो मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? वाटर पार्क वाली फीलिंग आ रही है। हनु कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। स्कूल की छुट्टियां हो गई है। हाँ। मजे से घूम रहे हो पानी के अंदर। छुट्टियों में क्या बरसात का दोनों सब डूबा पड़ा है। मैं अपना दूसरा कैमरा नहीं लेके आया, मैंने कहा कहीं वो भीग जाए तो सीन हो जाएगा। हैं उसके ना माइक वो चारों तरफ है तो हल्की सी बूंद गिर जाती है अगर तो सीन है उसका। उसका जो वाटरप्रूफ केस है वो 15,000 का है। ओ भाई 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 ये चेक करो कितना डूब चुके हैं हम। और पार्क के हालात चेक करो जरा। करो फिर। और तो कुछ नहीं, जो छाता लिया था पहली बार उसके पैसे वसूल हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये गुरेक है, वो है हनु। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है बहुत। थोड़ा के बहुत मजा आ रहा है। क्या हो रहा? बारिश तेज होने की वजह से हम लोग छतरी की गैंग बना के वैसे बैठे हैं। ये देखो आ जाओ सब ऊपर रखो। अरे बेटा इससे बोट नहीं बनेगी, ये तो डूब जाएगी। दूसरे वाले पेपर से बनते। चलो कोई बात नहीं, रेगुलर पेपर ले गया। ऐसे इंजॉय करते हैं, बारिश तेज होगी वैसे भी डूब जाएगी बोट। भाई असली मजा ले रहा है जपेक और हम तीनों ऊपर छाता पकड़ के खड़े हैं। देखो है। तो गाइस अभी बाहर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और मैं आ गया हूँ अंदर। हाथ मुंह धो लिए हैं, पानी भी ऊपर कम है, नहाया भी नहीं जाएगा फिर से। और फिलहाल यहाँ पे मम्मी ने क्या बना रखे, गुलगुले बना रखे हैं, चेक करो। और यहाँ पे चाचा जी भी आए हैं, अभी अखबार पढ़ रहे हैं। चाचा जी शर्मा रहे हैं थोड़ा व्लॉग में आने से। आज क्या है ना, आज मैं सबको धीरे धीरे व्लॉग में ले रहा हूँ क्योंकि आज बारिश की वजह से कोई भी नहीं जा पाया काम पे। सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, बाहर भी मैंने बच्चे को भी ले लिया, बच्चे को भी मौज रखी है, सब लोग घर पे, कोई भी काम पे नहीं गए। मतलब गंगानगर पूरा ठप पड़ा हुआ है, एक ना ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल रहा है, कोई ना कोई दुकान खुल रही है, सब लोग आराम कर रहे हैं घर पे। और ऐसा सुनने में आया है 350 mm बारिश हो चुकी है रिकॉर्ड, अभी तक स्टेटस ही पता लग रहा है मुझे तो। ऑफिशियल न्यूज़ तो कल अखबार में आएगी अब क्या है क्या नहीं है, बट इतनी बारिश नहीं देखी मैंने आज तक गंगानगर में। 25 साल से रह रहा हूँ मैं, आज तक इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई कि पूरी गलियाँ भर चुकी, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। अभी 3 दिन की और वार्निंग है, 3 दिन तक बारिश का अलर्ट आ रखा है गंगानगर में। बाहर हो रही है बढ़िया बारिश तो मैंने सोचा कुछ गर्मा गर्म खाया जाए और पॉपकॉर्न बना रहा हूँ फिलहाल तो मैं अभी। बाकी यार पकौड़े वकोड़े खाने का अभी मन नहीं है क्योंकि जस्ट अभी गुलगुले खाए हैं ना। पॉपकॉर्न ही बेस्ट है इस टाइम पे। लाइट है नहीं है, कुछ काम धम कर नहीं रहे हैं, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हुई पड़ी है, इन्वर्टर बंद होने वाला है, तो बचा क्या फिर? बचा खाना खाने का काम, जो कि ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है क्योंकि हमारे जो छत पे पानी है टंकी में वो हो गया ख़त्म और सिर्फ जो नीचे स्टोरेज टैंक है उसके अंदर पानी बचा हुआ है। अब पानी जब निकालना है तो इमरजेंसी यूज़ के लिए स्टोरेज टैंक में बाल्टी डुबा के निकालना पड़ेगा। तो 2 दिन तक मेरे ख्याल से पानी कहीं नहीं जाने वाला, 2 दिन तक का पानी हमारे पास है। अगर लाइट नहीं आती है 2 दिन तक तब समस्या हो जाएगी क्योंकि जो पानी चढ़ेगा ऊपर वो मोटर से ही चढ़ेगा। और हो गया अगर इन्वर्टर बंद तब ना फ़ोन आएगा ना व्लॉग आएगा ना कुछ और। एनीवेज फ़िलहाल पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। लो भाई अपने पॉपकॉर्न रेडी है, पॉपकॉर्न रेडी है। तो इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और लंच का टाइम है। अभी लंच में आज दही की सब्जी बनी है क्योंकि सब्जी कहीं से भी नहीं आ रही है, पूरे मार्केट बंद हो रखी है सब्जी वाली भी, और गली में भी कोई नहीं आया क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है यार, कोई मतलब मोबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई ऑलमोस्ट।
और अभी अभी कुछ फोटोज देखी हैं, आर्मी के ट्रक्स आ रखे हैं, पंप्स आ रखे हैं, सब पानी शहर से निकाला जा रहा है, देखते हैं कब तक निकलता है। लेकिन अगर फिर बारिश होती है आज या कल के अंदर तो फिर से बुरे हालात हो जाएंगे। तो भाई शाम के अभी बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है, इन्वर्टर हमारा जवाब दे चुका है, एक एक लाइट जलानी पड़ रही है। और अब तो सोच रहे हैं ना कि इस वाले फ़ैन का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इसकी पावर कम है, जहाँ पर बहुत ज़रा ज़रूरत है वहीं पर लाइट जला रहे हैं भाई। पता नहीं कब तक आएगी, सुबह की 3 बजे की लाइट गई हुई है, बट ठीक तो हो रही है धीरे धीरे। मैंने पूछा एक दो दोस्तों से, उनकी आ गई है लाइट, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। अब फिलहाल अभी चाय रखी हुई है, चाय पियेंगे और शाम तो एटलीस्ट छत पे निकालनी पड़ेगी क्योंकि शाम के टाइम पे नीचे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर हवा अच्छी चल रही है, थोड़ी सी धूप नीचे हो जाए फिर ऊपर जाके बैठते हैं बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में। आज से पहले क्या आपने इतनी तेज़ बारिश देखी थी गंगानगर में? बिल्कुल भी नहीं देखी, और कभी पापा कह रहे हैं वैसे 2014 या 2015 में ऐसी बारिश हुई थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है। और इतनी नहीं थी जितनी, इतनी तो कभी नहीं देखी, ऐसी बारिश नहीं देखी। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े पता कौन ले रहा है इस चीज़ के? पापा, क्योंकि सुबह से चल रही है लूडो पे लूडो, चार्ज लगा के फ़ोन और फिर चालू कर देते हैं लूडो। कौन सा मैच चाहिए? 3-1। अरे नहीं, कितना सुबह से? पाँच मैच खेल लिए सुबह से। सही है, हर किसी को अपने अपने तरीके से टाइम पास करना है, मेरा पता नहीं कैसे होगा, सुबह से अब तक तो निकल गया, काम एक भी नहीं हुआ सुबह से। अब रात को अगर लाइट आएगी तो रात को भाई जागना पड़ेगा। फिर फाइनली जाके किचन के बाहर निकल रहा है ये वाला फ़ैन और काम आ रहा है, एटलीस्ट कुछ ना से तो कुछ तो सही है, हवा आ रही है अच्छी खासी आ रही है और काफ़ी देर निकाल भी जाएगा क्योंकि उस वाले से पावर बहुत कम कंज्यूम करता है वाला पंखा। अब छत पर ही बैठना पड़ेगा जब तक लाइट नहीं आएगी। दोस्तों रात के बज रहे हैं इस वक्त 8:30 और लाइट अभी तक नहीं आई है, तो हम लोग यहाँ पे दीपक जला के समय काट रहे हैं क्योंकि दुकानें बंद है, कैंडल्स वगैरह भी कहीं से नहीं मिल रही है इस वक्त। पापा फ़ोन चला रहे हैं पर उसी जगह पे बैठ के, सेम जगह पे। रात पता नहीं कैसे निकलेगी। अब लो भी हमारा डिनर आ चुका है यहाँ पे, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, साथ में आम, साथ में सलाद और साथ में यहाँ पे कैंडल जल रही है, कैंडल लाइट डिनर चल रहा है। किसी की शक्ल नहीं दिख रही होगी लेकिन हाथ चल रहा है कुछ तो। बस इसी तरह से आज का दिन गुजरा, अभी फ़िलहाल बड़ा हुआ है लेकिन फ़ोन और कैमरा की बैटरी ख़त्म है, तो व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ तो बाद में रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, कल मिलता हूँ आपसे फिर इसी तरह के व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।